तो भाई लोग कैसे हो। तो यार बज भी हो चुका है बहन। देखो अभी 2 दिन हो ही चुके हैं लगभग, ना 2 दिन हो चुके हैं। अगर किसी को अभी लग रहा हो कि ये तो ग्लिच है प्ले स्टोर, ओ प्ले स्टोर में ग्लिच नहीं है, ग्लिच ग्लिच नहीं है बहन, है ब्लॉग है। देखो मेरे को पूरा नहीं पता, क्योंकि देखो अभी देखो ऐप अगर डाउन किया है तो देखो जो भी मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ ये सब मेरे दिमाग का मामला है, ठीक है। मैं कहीं किसी के लिए काम नहीं करता, ना ना मिनिस्ट्री के लिए, ना ही क्राफ्टर वालों के लिए, ठीक है। मैं कहीं कुछ काम ना करता, ये जो भी मैं कह रहा हूँ मेरे दिमाग से, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है सही हूँ, मेरे को नहीं पता, ठीक है भाई। लेकिन क्योंकि व्यूज आएंगे इस टॉपिक पे तो मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। तो देखो मामला ऐसा यार, देखो अगर ऐप डाउन किया है गवर्नमेंट ने तो देखो यार ऐसा नहीं है कि भैया हलवा है, आज डाउन किया कल वापस आ गया जी, वाह ताली ताली, ऐसा नहीं होता। इन चीजों पे बहुत टाइम लगता है, सरकारी कामों पे आपको खुद पता होगा टाइम लगता है, तगड़ा तगड़ा टाइम लगता है। तो हाँ मेरे ख्याल से अब देखो मेरे को नहीं पता कि वापस आएगा नहीं आएगा। एक बार देखो जो पिछली बार ऐप 1 साल पहले 1.5 साल पहले बैन हुए थे, उनमें से सिर्फ एक ही चीज़ वापस आई थी, वो थी BGMI। उसके बाद अगर दोबारा बैन हुआ है तो भैया दोबारा वापस आने के मेरे को पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल चांस लग रहा है, क्योंकि देखो एक मौका दिया उसके बाद भी पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता क्या गड़बड़ हुई होगी, लेकिन अगर गड़बड़ हुई है एक मौका देने के बाद भी तो भैया दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग कह रहे थे भाई तेरी तेरी आईडी बैन की इन्होंने, तो तूने गेम बैन करा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मैंने कुछ बैन नहीं कराया, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा बैन करके गेम को, तो हाँ वही बात है। लेकिन हाँ देखो ये आगे एक नॉर्मल गेम प्ले वीडियो है जो कि पुराना वाला है, मेरा रिकॉर्ड किया वाला, लेकिन आगे मैं यहाँ पे मैं बस ये बैन के टॉपिक पे वीडियो बनाने आया था। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट में बताना, अब क्या गेम वापस आएगा, कब तक गेम वापस आएगा, क्या गेम वापस नहीं आएगा, आप क्या करने वाले हो, आप क्या खेलने वाले हो, क्योंकि देखो पिछली बार तो पबजी चल रहा था तो बंदों ने वही खेल लिया, इस बार तो बजमी सर्वर कैसा चल रहा है आपका ये बताओ। मेरा तो भैया गेम लैग कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, बाकी बंदों का लैग कर रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, तो पता नहीं मेरे को सर्वर कब तक चलेगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो चल रहा था ओके ओके, लेकिन आगे पता नहीं मेरे को कैसे चलेगा। अब साथ ही साथ मैं क्या कह रहा था, हाँ पिछली बार देखो पबजी की आईडी थी लोगों पे, पबजी के बाहर के सर्वर जिंदा थे तो लोगों ने VPN वगैरह कुछ भी करके खेल लिया था सबने। लेकिन देखो अभी अगर पबजी की ये तो बजमी है और यहाँ पे VPN से चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में चलता है, तो VPN कहाँ का लगाओगे, कहाँ का VPN लगा के खेलोगे, VPN इस पे काम नहीं करेगा जहाँ तक मेरे को पता है, और करना भी नहीं चाहिए, सर्वर इंडिया में है तो बाहर के VPN से कैसे काम करेगा यार, सिंपल बात है। तो हाँ ये मामला है, ऊपर से अगर दूसरा कोरिया वगैरह वर्जन खेलना चाहेंगे लोग तो यार उस पर देखो नई आईडी बनानी पड़ेगी। क्या नई आईडी बनाने के खेलने के लिए आप लोग तैयार हो, मेरे को नहीं पता, तो मेरे को बताना कमेंट में क्या मामला चल रहा है, आप लोग क्या करने वाले हो, क्या खेलने वाले हो, आपका गेम कैसा चल रहा है। और अभी बढ़ते हैं गेम प्ले की ओर सीधा, यस इतना इतना काफ़ी हो गया, व्यूज़ आ जाएंगे ना, व्यूज़ आने चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग कैसे हो, तो यार वेलकम दी बैक, वेलकम और स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू बजबी के गेम प्ले वीडियो में। आज आओ जरा आप यहाँ नीचे चलता हूँ और आज देखेंगे बंदे किस कदर कैंप लगा के बैठते हैं ऊपर पिरामिड में। ये बंदों ने ऊपर वाली जगह भी ना छोड़ी, वहां पे भी अपना डेरा इन्होंने डाल लिया। खैर वो बात नहीं, फिलहाल कर यहाँ उतरा हूँ और बंदूक तो ठीक ठाक लग गई है, आ जाओ ये ले आग फेंकेगा आप, इसके देता हूँ पीछे डंडा और ये दूसरे नंगे को नॉक किया अंदर आ गया, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ पंगे चल रहे हैं, उस नंगू की किल लेना चाह रहा था मैं। लेकिन ये पीछे से आ जाता है, इसकी पेटी डाली, आगे एक और नंगू भागा, इसको भी पकड़ो जरा, एक सेकंड, ये ले पेटी का, बहुत बेहतरीन। और अब देखो ये ज़्यादातर बंदे शायद से नंगू नहीं होंगे असल में, वो क्या कहते हैं वो डाउनलोड जो होता है इतने सारा GB का हो चुका है आजकल, वो डाउनलोड नहीं किया था मैंने पूरी तरह से, तो हाँ यही मामला है शायद से। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से मैं फिर से चल दिया, एक भाग गया था इधर से ऊपर में, ये ले किल, मजे से 2 किल मैंने और ले ली। और ये कुल्हाड़ी बाज को पता नहीं, चलो भाग गया, मेरे को लगा था मेरे पीछे आएगा, अभी भाग गया, भाग गया कुल्हाड़ी बाज, भाग गया, अरे बहुत दिक्कत देता है। अभी देखो एक इकलौता बंदा बाकी था इधर पे, वो देता है असली दिक्कत, यहाँ पे गोल गोल घूम घूम के ऐसी पेटियाँ डालता है वो कि मैं क्या बताऊँ। हाँ हमारी पेटी डालने वाली है, रुको जरा यहाँ पे पोटर जाते पहले,
और ये बॉट की गलती है। ये देखो अब भी मारे जा रहा है, ये बॉट की वजह से यहाँ पे मेरे दोनों टीममेट ठिल गए। अभी देखना बॉट की वजह से दोनों टीममेट की पेट भी डल जाएगी यहाँ पे। रिवाइव और ये बॉट ने मेरे को डिस अट्रैक्ट करके रखा था, मैं क्या बताऊं कसम से। पीछे से मारे जा रहा है, हेल्थ ऐसी कम थी, मेरे को लगा भैया यो तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो बॉट को मार लेता हूं। और जब जब मैं बॉट की तरफ मुड़ता हूं तब तब ये बंदा अपना थोपड़ा दिखाता है। अभी देखो ये भागा इस तरफ को, मैं जाता हूँ पकड़ने, लेकिन ये देखो ये रुको जरा, ये देखो धुआं, इसकी पेटी किसी और ने डाल दी, मतलब इसने मेरे दो टीममेट को पेला। उसके बाद मैं ठीक से बदला भी नहीं ले पाया, बदले की आग जलती रह गई लेकिन बुझा ना पाया मैं बदले की आग। ये ले बढ़ जा, इस दानव पे गुस्सा दिखालेगा मैं। खैर देखो जाके मैं फटाफट अपने दोनों टीममेट को रिकॉल कर देता हूँ। आ जाओ बैठ जाओ, बैठेंगे क्या पता नहीं क्या हो रहा है, बैठ जाओ जरा। रिकॉल करके चल दिया, देखो बंदे तैयार थे ऊपर जाने के लिए, ये इतना ज़्यादा तैयार थे कि आधा घंटा पहले आके बैठे। अरे क्या कर रहे हो पीछे, ये देखो सामने, ये ले तू बिठा, दो को दे चुका हूँ, अभी एक और बाकी है। देखो भाग रहा होता इधर से, इसको भी पकड़ेंगे, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ जरा पेट डाले, ये इतना उत्सुक थे ऊपर जाने के लिए कि भैया आधे घंटे पहले खड़े, वो इंसान आए नहीं इधर, ये खड़े हैं। और इन्होंने शायद एक बॉट भी पहला था तो बॉट की किल भी मिल गई। देख रहा हूँ मतलब क्या बात है कि बिल्कुल टाइम से ये पहुँच गए, टाइम से पहले पहुँच गए और ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार किया भैया, हमें ले चलो ऊपर। वो देखो बेचारा दूर से आ रहा है, वो पहाड़ उठा के ये पहले पहुँचे पड़े इधर पे। खैर वो साढ़ 11 किल हो चुके थे, मैं भी इंतजार ही करता हूँ, देखो क्या किया जाए, क्या करूँ यार, इंतजार ही करना पड़ेगा क्योंकि और कुछ चारा था नहीं। लेकिन इंतजार करते करते ही रिकॉल पे बंदे आ गए, मैंने बोला ये तो चेक करना पड़ेगा ऐसे कैसे रिकॉल पे बंदे आ रहे, चेक करके आता हूं। यहां पे जाता हूं, देखो गाड़ी घुमाता हूं और अंदर देखो ये लेटा पड़ा एक डसीला सांप। कैसे का पापा को ये ले, यहाँ पे डसने के लिए बिल्कुल तैयार था मेरे को, लेकिन मैं फटका दे ही देता हूँ। देख रहा हूँ गाड़ी से जाते जाते मैंने देखा ये क्या फैला पड़ा है या जमीन पे क्या फैला पड़ा है, अंदर जाके देखा इंसान। खैर इसको पेला, अभी इसके टीममेट लोग आते आगे से शायद, रुको जरा एक सेकेंड, यहाँ पे कोई लेटा पड़ा आगे ठीक सामने, डैमेज दिया इसको। ये भी देखो ये सारे सांप के परिवार से थे, सारे लेटे पड़े, एक को भी पहला दूसरा लेट के ठिल जाएगा। रुको इसके भी फटका मार के आता हूँ एक सेकंड। देख रहे हो मतलब ये रिकॉल वाला बंदा होगा, और इस पे 6x कैसे पड़ा है, रिकॉल वाले बंदों पे 6x कैसे पड़ा है भाई, पता नहीं क्या मामला है। खैर अभी देखो आखिरकार टाइम पास इधर हो ही चुका था, वो बंदा इधर आ ही जाता है और हम लोग जाते हैं सीधा ऊपर। और अभी तक M4 ना मिली है, 14 बंदे पेल दिए, 14 बंदे लॉबी में, एक M4 नाम ना लगी, हाथ ना लगी। खैर अभी देखो यहाँ पे जाने के लिए मैं तैयार था, बंदे आ जाते हैं अपार्टमेंट पे, वो मेरे को डैमेज देते हैं, मैं इनको लेता हूँ हल्के में, ये क्या डैमेज देगा मेरे को, मैं ऊपर भाग जाएगा। और ये देखो मैं निकल गया था वहाँ का, ये लो गोली पड़ गई, ओ भाई मर जाते हैं सीधा भाई, ये याद है क्यों नीचे गिरेगा सीधा, फॉल डैमेज होगा, मरेगा सीधा। तो यहाँ पे सीन ऐसा, देखो अगर आप ऊपर हो और किसी ने नॉक कर दिया और आप यहाँ तक ना पहुंचे तो भैया मामला ऐसा होगा मेरे टीममेट के हिसाब से कि आप गिरोगे वहां से सीधा नीचे, और जब आप नॉक होके वहां से सीधा नीचे गिरोगे भैया फॉल डैमेज पड़ेगा और पेटी पेटी बन जाएगी। खैर ये आगे बंदे बैठे हैं, एम्पोर होता तो पे लेता पक्का पक्का, लेकिन ये सकारिल ज्यादा हिल जाती है। खैर अभी देखो मैं तैयार था आगे रस करने के लिए, अरे बैठे पड़े हैं बंदे, काफी बंदे बैठे हैं, एक तो यहीं आ गया, ये ले यहाँ पे पीक बाजी करके बिल्कुल तैयारी हो रखे थे कि आओ जरा पेटी डालू पीक करके। मैंने बोला पीक क्या दे रहा है, मैं भी पीक दूंगा, एक दो को लपेट लिया भी किल, ये हमारे भाई पता नहीं कहाँ पे आग डालते हैं, ऐसी जगह आग डाली कि भैया वहां से अब हम जा नहीं सकते। और ये बैरल उठाऊं क्या, बैरल तो है मेरे पे। खैर यहाँ से हम लोग देखो ये दरवाजा तोड़ के जाते हैं, ये गड्ढा तोड़ के यहाँ से चल दिए पेटियां डालने, ये बैठे एक को पकड़ लिया, दूसरा आगे सीधा, और ये लपेटा दूसरे को भी, एक ही सप्रे में आने वाले थे लेकिन बच गए। रुको जरा इनकी पेटी भी मैं डालेगा, रिलोड कर लेता हूँ।
ये ले पेटी का बहुत ही बेहतरीन 17 किलो गए। और इसी के साथ और बंदे थे कि नहीं अभी देखना पड़ेगा, पहले रिवाइव होने तो लूट लेता हूँ मैं जरा। हाँ देख रहे हो कैसे कैंपिंग लगा के बैठ गए थे, दो ये थे कि हाँ तीन बंदे थे, तीन बंदों की बेहतरीन पेटी 17 किल। अभी तक M4 तो मिली, और ये क्या कर रहा है आप, रैंक तभी इधर आ रहा है, बेशरम इसकी भी पेटी डाल देते हम। खैर यहाँ पे देखो टाइम पास चल ही रहा था, लेकिन उतने में ही होता है अटैक, अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं बंदे थोड़ा अभी पता नहीं मेरे को, वो देखो राइट पे लड़ने लग गए। मैंने बोला आओ जरा हम भी लड़के आते हैं, ये ले अटैक गेम प्ले करेगा आप, इसकी डाली सीधा पेटी, सामने एक और बैठा छोड़ दे भाई, निशा थी वो। अब यहाँ पे देखो सीन ऐसा होता है, मैंने जब गोली चलाना चालू करे, देखो अपना ही किनारा है, गोली चलनी चाहिए तब तक पेटी ना बने जब तक, और यहाँ पे पता चलता है ये निशा नामा कोई थी और पेटी डल गया, बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन देखो पेटी डलनी चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे सामने कोई हो, पेटी डलनी चाहिए। एक बार मैं चालू हो गया भैया, जब तक पेटी नहीं डलती मेरी गोली रुकती ही नहीं है, मैं चाह के नहीं रोक सकता, अरे आदत से मजबूर। खैर कोई बात नहीं, 20 किलो गए, यहाँ से मैं चल गया। देखो ये किसी की कार है, इसको चोरी करने का प्लान था, लेकिन पता चलता है कार का मालिक तो यही बैठा, इस मालिक को पकड़ो इससे पहले ये भाग जाए, भाग रहा है। लेकिन कहाँ तक भागेगा, चले बेटी का यहाँ पे देखो, मतलब मालिक से ही गाड़ी चोरी कर ली, मालिक की पिटाई भी कर दी, मालिक की गाड़ी भी चोरी कर दी, अब उसी की गाड़ी पे जाएंगे, लूट भी ले लिया और बताओ क्या चाहिए, और एक किल भी मिल गई, बढ़िया है सब कुछ बढ़िया है। खैर यहाँ से निकल पड़े, देखो आगे से पड़ जाती है गोलियाँ, और यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रखी है, मेरा गलती से हेडफोन की तार निकल गई थी और अब साउंड की ऐसी तैसी हो गई, लेफ्ट राइट का कोई पता नहीं, तुक्को में खेल रहा हूँ। मजाक से हट के देखो मेरे को गोली कहाँ से चल रही है ये पता करने के लिए मेरे को मैप देखना पड़ रहा है। ऐसा देखो सीन ऐसा होता है, जब जब खेलते हुए अगर वो क्या कहता है हेडफोन निकल गया तो गेम रीस्टार्ट मारना पड़ता है मेरे को, तब जाके लेफ्ट और राइट आवाज़ आती है। पता नहीं गेम प्ले में भी लेफ्ट राइट आ रही होगी कि नहीं अभी वीडियो पे, लेकिन मेरे को लेफ्ट राइट ना आ रही थी। बहुत बेहतरीन इसको पे लिया, 21 किल। यहाँ पे देखो मैप देख के काम चलाना पड़ रहा है कि भैया गोली किधर से चली है, क्लोज रेंज में मैप देखना पड़ रहा है। खैर देखो जिसको नॉक किया था उसकी पेटी डालने की हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन किल हो जाती है चोरी, और चोर बैठे थे ये जो आगे ट्रिपल वाली 3 मंजिला घर है यहाँ पे। मैंने बोला इन चोरों को पकड़ा जाए, ऐसे कैसे किल चोरी कर रहा है, वैसे मेरे को पक्का नहीं पता किसने चुराई थी, लेकिन देखो पकड़ना तो पड़ेगा किसी को। ये मैं आ गया और ये नॉक पड़ा है गिल्ली सूट वाला बाहरी, ये कोई और था, इसको पकड़ा, और यहाँ पे मस्त 2 किल मिल गए, मजा आ गया। देखो गिल्ली सूट वाले पिट के बैठे हैं, दूसरा बंदा बाहर की ओर हो रखा है, मामला क्या चल रहा है, पक्का इनको कोई ना कोई आगे घर से डैमेज दे रहा होगा। ये जो आगे स्क्वाड हाउस है यहाँ से पक्का पहला होगा इसने, तो वहाँ देखो पहले मैं बैंडेज मारता हूँ नीचे बैठ के, क्योंकि ऊपर भैया नेट का बाज है पता ना चले। अब देखता हूँ मैं आगे, ये देखो कैसे उछल कूद करते हुए दिखता है, दरवाजा तोड़ हमला करता हुआ, दरवाजे से कुछ ना दिखा, मैंने वाला आ जाओ नेटबाजी हो जाए, ये नेट डालेंगे राइट कमरे में बिल्कुल सटीक नेट, ये लीजिए एक नेट आपके लिए बेहतरीन, और यहाँ पे पेल दिया गया बंदा। आ जाओ जरा इसकी पेटी डाल के आता है, ये ले आग का, एक आग इधर डालता हूँ, दूसरी आग कहाँ डाली जाए, ये ले दूसरी आग इधर डालता हूँ, तीसरी लेफ्ट में डाल दूंगा, अरे तो समोक है, अच्छा ठीक है बंदा चलो बेहतरीन, काफी ज्यादा आगबाजी करनी पड़ी। खैर इसी के साथ 24 किलो चुके थे, मामला था ठीक ठाक, बंदे भी ठीक ठाक अलाइव थे, अरे पंगा नहीं लेने का तुम्हारे भाई से, और आगे देखना सपरे, अरे पूछो ना आगे देखना, ये ले इसको भी दिया फटका, ये पता नहीं दूर से गोली चला रहा था, जाके इसकी भी पेटी डाल देंगे, और टेंशन की बात नहीं है पेटी डाल के आएंगे। यहाँ से चल दिए सीधा सगाड़ा, उसके आगे कोई था कि नहीं पता नहीं, और ये देखो कैसे बग्गी के पीछे छुपा है, पहले छुपना चाहिए था बैठा ऐसे बग्गी के पीछे, पहले फिट हो जाना चाहिए था, ये ला पेटी का पीछे बैठे पड़े हैं नॉक होने के बाद। खैर देखो यहाँ से असल में ब्रिज का मामला बन रहा था, हम लोग गए थे शॉप पे, शॉप से M24 खरीद के लाए, अब जरा M24 स्नाइपिंग भी हो जाए, अरे दिक्कत की क्या बात है, थोड़ी M24 स्नाइपिंग हो जाए, यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। पता चलता है ये बैठे बंदे ये नीले घर पे घात लगा के, ये दिया नॉक, और हाँ रिकॉर्डिंग में भी आवाज़ गलत है,
रिकॉर्डिंग में भी आवाज़ लेफ्ट राइट वाली नहीं आ रही है, गलत आ रही है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। आपको आवाज़ कैसी लग रही है मेरे को बताना। फिलहाल के लिए देखो, एक को नॉक दे रहा था, अरे हल्के में ले रहा था मेरे को, सोच रहा था स्प्रे मारूंगा इस पे, हल्के में ले रहा था। मैंने बोला बेटा आज नहीं, और ये डालता हूँ आग। आग भी सीधा जगह पे बंदों को भगा देती है आग, और इसको दोबारा से लपेटे में ले लिया। अभी देखो सब कुछ सही है, यहाँ पे लपेटा वहाँ पे लपेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखो ये बंदे होते हैं, चार बहन की गाड़ी फोड़ देगा। बंदे जब हमारी गाड़ी पे रहमी और बेशर्मी से फोड़ सकते हैं, मैं भी करूँगा आपसे, मैं क्यों ना करूँ। वो कहते रहे जब सीधी उंगली से घी ना निकले डब्बा उल्टा कर दो, मैं भी उल्टा करके पेलेगा इनके सर पे डब्बा। कह रहे अभी यहाँ पे देखो समोक डाल के बैठे हैं, ये देना चाहता है 1v1 स्नाइपिंग बैटल। रुको देता हूँ इसके फटका, आ जाओ। ये ले, इस पे भी शायद से M24 थी, 1v1 करना चाह रहा था, दे दिया 1v1 फटका, बहुत ही बेहतरीन। ये कहां से गाड़ी आई, और बंदे पता नहीं कहां कहां जा रहे, कोई राइट जा रहा है, राइट क्यों गया होगा कोई बग्गी वाला, कोई बग्गी लेके राइट भाग गया। राइट भाग के देखो ये जो उनके बाहर बैठे पड़े, इनका पता नहीं क्या होगा। देखो मैं तो निकल लेता हूँ टाइम रहते ही। ये मेरे को हैरानी है कि ब्रिज कैंप नहीं था, पता नहीं कैसे, मैं थोड़ा पहले जाता मैं कैंप लगा देता, लेकिन मैं फंस गया था, ब्रिज कैंप नहीं था। हम घूम फिर के भग भगा के इस घर पे पहुंच जाते हैं। यहां से देखो एक आध बग्गी वाले भागे थे और एक आध गाड़ी वाले भागे थे। ये देखो बग्गी फटी पड़ी है किसी की, क्या पता बंदा भी बैठा पड़ा हो भट्टी में, तो देखना पड़ेगा। 26 किलो चुके, चार बंदे मार देंगे। अच्छा चार बंदे, हाँ जिंदा है शायद से, चार बंदे। ये ले फटका, यहाँ से वो भी देखो मेरे को शॉट पड़ता है हेडशॉट। लेकिन देखो मैंने बोला जल्दबाजी नहीं, अरे किस बात की जल्दबाजी, मैं आराम से पेलेगा, आराम से देता हूँ हेडशॉट, वो भी हेडशॉट देता है। लेकिन देखो मैं बच गया क्योंकि मैं प्रो था, ठीक है लेवल 3 का हेलमेट था, लेकिन वो ठिल चुका है और ये किल चोर आ चुके हैं। बेशर्मी के साथ किल चोरी की नाकाम कोशिश वो कर रहा होता है। मैं देता हूँ ठीक ठाक डैमेज उसको दिया है, ठीक ठाक डैमेज। यहाँ पे जा रहा हीलिंग वगैरह कर ली जाए, आ जाओ। ये मारा हीलिंग और हीलिंग मारूंगा। वो बंदा बस किल चोरी ना करते, और किसी चीज़ का डरना है, किल चोरी ना होनी चाहिए। पता नहीं किससे लड़ रहे वो, और मार भी देते एक आध बंदे को। लेकिन साथ से जो मैंने नॉक किया था वो रिवाइव हो जाता है। और यहाँ पे बग्गी भी फोड़ देंगे, अरे क्या पता गलती से कोई उसी के बगल में बैठा हो। वैसे मेरे को लग रहा है उस बग्गी वाले की जवान ने पहले पेटी डल चुकी है। खैर भी देखो यहाँ से जोन हो जाता है बाहर, तो मेरे को भी जाना पड़ता है। यहाँ से आप लोग निकल लेते हैं, ठीक सी जगह लेंगे, लेकिन वो ठीक सी जगह ठीक तो होती है, लेकिन क्योंकि मेरे हेडफोन में अभी गड़बड़ हो रखी है, दिक्कत होगी। अब ये भक्ता परिंदा भागते हुए आ चुका है यहाँ सामने घर पे, और यही देखा दिक्कत, यही जिंदगी में दिक्कत और कांटा बनने वाला है। ऐसा कांटा बनेगा ये पीछे चुप जाएगा, कांटा बन के बहुत दिक्कत होगी भाई। आगे देखो, फिलहाल के लिए ये यहाँ से कुछ आता है, ये ले भटका, ये ले नॉक। अब यहाँ पे देखो इसको पेलने के लिए बहुत गोली बर्बाद होती है, लेकिन ठिलना पता नहीं कहाँ पे छुप के बैठ गया, पेड़ के पीछे होगा। लेकिन उसके बावजूद देखो काफ़ी डैमेज दे चुका था, तो वो ठिल जाएगा, दिक्कत की बात नहीं, ठिल जाएगा वो। उसकी किल ये लो आ गई, बहुत बेहतरीन। अभी देखो 27 किलो चुके हैं, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। उतरे में ही पता चलता है एक बंदा पीछे बैठा पड़ा है, पता नहीं कहाँ से कौन से जमाने का बंदा है पीछे। अरे पीछे यहाँ पे कोई पीछे निकल गया, बताओ ये क्या बात हो गई। अभी देखो दो बंदे बाकी थे, मेरे को लगा ठीक है ये पीछे वाला किसी और टीम का होगा, अरे क्या दिक्कत की बात है, किसी और टीम का होगा। ये देखो अपने टीममेट को ले आया उठा के, मैंने बोला हो जरा पहले पीछे वाले को पेलते हैं, क्योंकि ये जो सामने घर पे था ये तो भाग चुका है। अब देखो मेरे को फुटी स्टेप नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं तुक्के में चला रहा हूँ, मेरे को पता नहीं बंदा लेफ्ट आ चुका है या राइट कोने पर बैठा है अभी। और बताओ, मैं कसम से क्या बताऊं, ये ढिटाऊ बंदा लेफ्ट से आता और ये दोनों सेम टीम के, बेशरम कहीं कह रहे, एक इधर खेल रहा है एक दूसरी दुनिया में खेल रहा है, पता नहीं क्या है। उसके ऊपर से मामला और बिगड़ जाता है, मैं कसम से क्या बताऊं, मेरे आगे दो लोग खड़े हैं, दो लोग सामने इसके मुंह के सामने, लेकिन इसको आगे मेरे कोई नॉक कर देगा बेशरम।
ऊपर से हील भी ना कर पाया था, और ऐसी तैसी हो गई। ये हेडफोन की सारी गलती हेडफोन की है। हाँ ठीक है, मजा क्या कहते हैं वो बहाना लग रहा होगा, लेकिन आप बहाना भी कह सकते हो, लेकिन यार सुनाई दे ना रहा था मेरे को, पता ही ना चल रहा था कौन कहाँ बैठा है। खैर कोई बात नहीं, 27 किल क्या किया जाए आज के इस वीडियो में टाइम, और ज्यादा आता है लाइक ठोकना मत भूलना, यहाँ पे ना करो सब्सक्राइब, कल मिलते हैं, बाय बाय।